आज डिस्कस करेंगे फ्यूल फीडिंग सिस्टम इन एसआई इंजन कि जो फ्यूल फीडिंग होता है स्पार्क इग्निशन इंजन में या पेट्रोल इंजन में हम कह सकते हैं कि उसका सिस्टम क्या है, वो किस तरह से सिलेंडर तक पहुंचता है और बर्न होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो किन कंपोनेंट्स का पूरा सिस्टम बना होता है? तो सबसे पहले हमारे पास होता है फ्यूल टैंक, जिसके अंदर फ्यूल होता है, मींस पेट्रोल होता है। तो ये है फ्यूल टैंक जिसके अंदर क्या होता है, पेट्रोल। ये फ्यूल टैंक सप्लाई करता है आगे फ्यूल को, एक तरह का रिजर्वायर है जिसके अंदर फ्यूल होता है। ये जो फ्यूल है ये हमारा जाता है फिल्टर के पास। फिल्टर के पास कैसे जाता है? फिल्टर से आगे लगा हुआ है पंप जो कि इसको सक करेगा इस फ्यूल टैंक से। जब पंप वर्क करेगा तो फ्यूल यहाँ से सक होगा इस फ्यूल टैंक से और वो हमारा जाएगा फ्यूल फिल्टर के पास। ये फिल्टर है, फ्यूल फिल्टर ये लगा हुआ है। ये फिल्टर क्या काम करेगा? फ्यूल को फिल्टर करेगा। अगर फ्यूल के अंदर कुछ इस तरह के पार्टिकल्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड नहीं हैं, जैसे कोई डस्ट पार्टिकल है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, तो वो उनको यहाँ पे फिल्टर करेगा। फिल्टर होने के बाद पंप उसको कहाँ पे भेजेगा? कार्बोरेटर के पास। ये हमारा कार्बोरेटर है। कार्बोरेटर का फंक्शन क्या होता है? कार्बोरेटर का फंक्शन है एयर और फ्यूल को एक प्रॉपर अमाउंट में मिक्सचर करना ताकि सिलेंडर में जाके वो बेटर एफिशिएंसी के साथ बर्न हो सके। तो ये कार्बोरेटर है। तो यहाँ से हमें पेट्रोल मिला, मींस फ्यूल मिला। अब कार्बोरेटर को एयर भी चाहिए ताकि ये दोनों को मिक्स कर सके। तो एयर हमें कहाँ से मिलेगी? सराउंडिंग से। जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है, सराउंडिंग एयर है, वो हमारी आएगी बाहर से, सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से। और उसके आगे भी लगा है फिल्टर, जो फिल्टर से होके गुजरेगी। ये है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर क्या करेगा? इस सराउंडिंग एयर को फिल्टर करेगा। उसको अच्छी तरह फिल्टर करने के बाद उसको भेजेगा ये कार्बोरेटर के पास। यहाँ से एयर एंटर करेगी, यहाँ से फ्यूल एंटर करेगा। तो फ्यूल और एयर कार्बोरेटर में जाएंगी, प्रॉपर कंपोजिशन बनाएंगी, प्रॉपर मिक्सचर बनेगा। उसके बाद यहाँ पे कार्बोरेटर के पास लगा है थ्रोटल वाल्व। थ्रोटल वाल्व, ये थ्रोटल वाल्व क्या करता है? थ्रोटल वाल्व हमारा कनेक्ट होता है रेसिंग पैडल के साथ। जब हम पैडल को दबाते हैं तो थ्रोटल वाल्व जो है ओपन होता है, और जब छोड़ते हैं तो ये क्लोज होता है। मींस जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर की सप्लाई को ये रेगुलेट करता है। तो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो थ्रोटल वाल्व के थ्रू जाएगा इनटेक वाल्व के पास। यहाँ पे इनटेक वाल्व है। जब हमारा पिस्टन नीचे की तरफ जाता है पहले स्ट्रोक में, सक्शन स्ट्रोक में, तो इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है और ये हमारा जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो अंदर जाता है। और उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, फिर हमारा पावर स्ट्रोक होता है, फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में हमारा ये जो सारी गैसेज हैं बर्न होके बाहर चली जाती हैं। तो इस तरह से इनलेट वाल्व ओपन होके जब मिक्सचर अंदर आता है वो बर्न होता है। बर्न बनने के होने के बाद जो गैसेस बचती हैं, जो हमारी कंबस्टिबल गैसेस हैं, तो वो बाहर चली जाती हैं। तो इस तरह से हमारा इंजन वर्क करता है, उसका जो पूरा कंपोनेंट है फ्यूल फीडिंग के, इस तरह से काम करते हैं। तो ये थे फ्यूल फीडिंग इन एसआई इंजन। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।